अर्की उपमंडल में चल रहे अवैध क्रशर के बारे में ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत करवाया, लेकिन उस पर कोई भी प्रभावी ढंग से कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। परंतु आज प्रशासन ने सख्त कार्यवाही के इरादे से चल रहे क्रशर का मुआयना किया और कई सख्त आदेश भी जारी किए। ग्रामवासियों का आरोप है कि क्रशर प्रदेश की विपक्षी पार्टी से संबंधित एक प्रभावशाली राजनेता का है, इसीलिए इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी शिकायत को लेकर आज एसडीएम अर्की छवि नांटा के नेतृत्व में डीएसपी अमित शर्मा, खनन विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। एसडीएम छवि नांटा ने उत्तर क्रशर को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश मौके पर दे दिए। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को उत्तर क्रशर की विद्युत आपूर्ति बंद करने के निर्देश भी दिए। अर्की की एसडीएम छवि नांटा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित उपमंडल की ग्राम पंचायत पलोक के गांव खनाललंग स्थित दो स्टोन क्रशरों पर आज दबिश की गई। क्रशर के साथ लगते ग्रामवासियों की शिकायत पर दी गई इस दबिश के दौरान टीम ने दोनों क्रशरों के दस्तावेजों की जांच की, जिस इस दौरान एक क्रशर के दस्तावेजों को नियमानुसार सही पाया गया, जबकि दूसरे क्रशर की जांच के दौरान उसमें अनियमितताएं पाई गई। ज्ञात हो कि उत्तर क्रशर के बारे में ग्रामीणों द्वारा पिछले कई समय से संबंधित विभाग सहित प्रशासन को शिकायतें की जा रही थी। एसडीएम अर्की छवि नांटा ने बताया कि क्रशरों के बारे में स्थानीय युवक मंडल ने कुछ दिन पहले प्रशासन को शिकायत की थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आज संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित संयुक्त रूप से जांच की गई है। जांच में एक क्रशर के दस्तावेज सही पाए गए हैं, जबकि दूसरे क्रशर में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने के आदेश तथा तुरंत प्रभाव से बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को क्रशर पर कार्य कर रही जीवीसी को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज ये युवक मंडल खनालग की जो मेंबर्स हैं, इन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कुछ हफ्तों पहले कि यहाँ पे दो जो स्टोन क्रशर्स हैं, एक भारत स्टोन क्रशर और शिवा स्टोन क्रशर, ये दोनों एक तो अपने जो इनके निश्चित समय हैं उसके बाहर भी चल रहे हैं, दूसरा आसपास के एरियाज में जो पेड़ पौधे थे वो उससे नष्ट हो रहे हैं, तीसरा ये बात है कि सड़क जो इनके साथ में है उस पर दिन रात जेसीबी चल रही हैं, जिससे शोर भी बहुत हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है, तो सड़क को भी नुकसान हो रहा है। तो उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए आज एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें समिति के जो हमारे मेंबर्स थे वो थे डीएसपी दाड़लाघाट, हमारे एसडीओ पीडब्ल्यूडी दाड़लाघाट, फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर साहब, एसएचओ अर्की, साथी में मैं, साथी ये युवक मंडल के जो भी सदस्य हैं, साथी प्रधान जी खनालग के जो हैं। इसमें हमने पाया कि जो शिवा स्टोन क्रशर है वो रिलेटिवली ठीक हालत में फंक्शन कर रहा है, सिर्फ उनके जो समय है वो हमें निर्धारित करने पड़ेंगे, परंतु जो ये भारत स्टोन क्रशर है ये अपनी लीज जो इनकी अवधि थी वो समाप्त होने के बावजूद भी अभी कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कड़े से कड़ा